हाय दोस्तों, बचपन में आपने कहानियां तो बहुत सुनी होगी, है ना। और बहुत सारी कहानियों में ये लाइन भी पढ़ी होगी और सुनी होगी कि लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग और समथिंग एल्स। तो कभी तो आपके दिल में ये प्रश्न भी आया होगा ना कि ये लॉन्ग लॉन्ग एगो ही क्यों होता है, हमेशा ऐसे क्यों नहीं होता है लॉन्ग लॉन्ग बिफोर। तो आज के वीडियो में उसी प्रश्न के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक से समझ लीजिएगा, आसान है लेकिन नया होगा कुछ, है ना। तो जो भी एगो है ना, हमेशा समझ लीजिएगा कि एगो जो भी है वो प्रेजेंट का पास्ट है, जो चल रहा है ना टाइम, उसका जो भी भूतकाल है वो सब एगो है। तो इसकी वजह से हम वहां पे बोलते हैं कि लॉन्ग लॉन्ग एगो। ये एडवर्ब है ना। तो ये कब घटी थी घटना, जो भी वर्ड जो घटना कब घटी थी उसके बारे में बता रहा होगा, तो हम उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं ना। तो ये एडवर्ब है। तो कब घटी थी घटना, लॉन्ग लॉन्ग एगो घटी थी, इसलिए वो उसे कहते हैं लॉन्ग लॉन्ग एगो। अगर आपके पहले कभी भी घटी हो घटना तो भी आप एगो कह सकते हो, ठीक है। सी इट हैपेंड जस्ट 3 मिनट्स एगो, आई मेट हिम जस्ट 5 मिनट्स एगो, अ लिटिल व्हाइल एगो, समझ रहे हो, अ बिग लिटिल व्हाइल एगो। अब मैं उसे जस्ट 5 मिनट के पहले मिला था मुझे, तो लिटिल व्हाइल एगो, जस्ट लिटिल, जरा लिटिल बिट व्हाइल एगो, 3 minutes ago, 2 days ago, 5 days ago, it doesn't matter anymore. तो ego क्या है? जो भी भूतकाल है वो ego है, समझ रहे हो ठीक से। तो ego में कोई problem नहीं, बहुत सादा simple सरल ऐसा ये शब्द है जो adverb का काम करता है। लेकिन उसकी एक ही problem है कि वो formal English में ज्यादा use करते थे, तो अब उसको थोड़ा थोड़ा उसका use eliminate हो रहा है, मतलब उसे थोड़ा थोड़ा rarely उसको use किया जा रहा है, कम यूज करते हैं उसे, इसलिए हमें आजकल ना वो कभी कभी ज्यादा दिखता नहीं है। और जब वो दिखता है तो हमें ऐसे लगता है कि हाँ ये बहुत पुराना वर्ड है, इसलिए they might be using that only in the so much past है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, वो फॉर्मल होने की वजह से उसका यूज थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन ये जो दूसरा वाला बंदा है, कौन, बिफोर, वो थोड़ा सा ज्यादा अटैकिंग मोड में है। मतलब उसके 3-3 डेफिनेशंस है, समझ लेना ठीक से, और वो एक साथ आप उसको एक नहीं, दो नहीं, 3-3 तरह से आप उसको यूज कर सकते हो। किसे? बिफोर को। तो बिफोर को ठीक से समझ लेना। एगो तो एकदम आसान है, हम बहुत जल्दी से बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि कोई भी भूतकाल हो तो वो एगो है। लेकिन बिफोर का यूज समझ लेने के थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। हम कहते हैं कि बिफोर टचिंग my faith, you have to answer any questions. तो इसे before touching my faith. तो क्या हुआ यहाँ पर? तो ये कौन conjunction बन के आ गया है ना, दो sentence को जोड़ रहा है, तो conjunction बन के भी आएगा, adverb बन के भी आएगा। I've not seen this place ever before. मैंने ये जगह पहले देखी नहीं थी। कब नहीं देखी थी? पहले नहीं देखी थी ना। तो I've not seen this place ever before. तो यहाँ पे क्या बन के आ गया? Adverb बन के आ गया। वहां पे बिफोर डूइंग दिस यू हैव टू डू दिस, यहाँ पे क्या बन के आ गया? वो कंजंक्शन बन के आ गया, है ना। और कभी कभी तो प्रीपोजिशन बन के भी आएगा, मेरे सामने मत खड़े रहो, डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। तो इन फ्रंट ऑफ की जगह पे आप उसको बिफोर को रिप्लेस कर सकते हो ना, डोंट स्टैंड बिफोर मी, गेटिंग दिस। मतलब एक बिफोर 3 तरह से आप यूज कर रहे हो, कभी आप उसको कंजंक्शन की तरह से यूज, कभी आप उसको एडवर्ब की तरह से यूज कर रहे हो, और कभी कभी आप उसको प्रीपोजिशन की तरह से भी यूज कर रहे हो। दोस्तों, बिफोर को यूज करने के 3 अलग अलग के तरीके हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो बात यह है कि किसी घटना के पहले आप उसे पुट कर सकते हो, बिफोर को, ठीक है। सी मी बिफोर लंच, लंच के पहले मुझसे मिलो। तो क्या हुआ यहाँ पर? एक घटना है, उसके पहले आप बिफोर को यूज कर सकते हो, ठीक है। Before my graduation, I was just practicing there. Before my graduation, मतलब मेरे graduation के पहले। तो यहाँ पर भी आपने क्या किया? कोई घटना थी, है ना? कोई event था, ये graduation है, फिर lunch है, meeting है, जो कुछ भी है वो follow कर रहा है उसके पहले। तो इस तरह से हम कोई घटना हो, कोई समय हो, या कुछ दिन हो कोई भी, before Thursday, before Friday, इस तरह से दिन भी हो सकता है कोई, तो उसके पहले आप इसे यूज कर सकते हैं। इसे
बिफोर, ये रहा उसका फर्स्ट वे टू यूज इट. ओके, सेकेंडली मैंने आपसे कहा कि वो मेरे सामने किसी चीज के सामने इन फ्रंट ऑफ को रिप्लेस कर सकेगा बिफोर. ओके, डोंट कम बिफोर मी, मेरे सामने मत आ, पुट इट बिफोर दैट. एक बिफोर टीवी भी था कुछ तो भी ना, इससे चैनल भी, तो इस तरह से, तो इसके सामने उसके सामने, बिफोर मी, डोंट स्टैंड बिफोर मी, इस तरह से किसी के सामने ये अर्थ लेकर भी बिफोर का यूज किया जा सकता है. गेटिंग दिस? और तीसरी बात तो यह है कि आप बिफोर को इस तरह से यूज कर सकते हो कि इन प्रायोरिटी ऑफ ऑल दिस थिंग्स आई प्रेफर दिस, मतलब प्रेफरेंस का जब बात करोगे प्रेफरेंस की, उस टाइम पर भी बिफोर का यूज कर सकते हो आप. समझ लो ठीक से, अगर आपको कहना है कि मैं गोल्ड को ज्यादा प्रेफर करता हूँ सिल्वर से ज्यादा, है ना, तो आप कैसे कह सकते हो कि आई पुट गोल्ड बिफोर सिल्वर, मतलब जब आप गोल्ड और सिल्वर को रखोगे तो मैं गोल्ड को ज्यादा प्रेफर करूंगा. तो ये बिफोर का यूज वहां पे भी आ गया, शोइंग यू प्रायोरिटी, शोइंग योर प्रेफरेंस. तो आप ज्यादा वैल्यू किसे दे रहे हो, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हो, ये कहने के लिए भी बिफोर का यूज किया जा रहा है. तो आई वुड लाइक टू डाई बिफोर डिफेमेशन. देखो, तो डेथ को प्रेफरेंस दिया, डिफेम से भी ज्यादा. ऑनेस्टी इज बिफोर ऑल वर्च्यूज, मतलब ऑनेस्टी को प्रेफरेंस दे रहे बाकी वर्च्यूज से ज्यादा. मतलब आपको जब बाकी चीजों से ज्यादा प्रेफरेंस, ज्यादा वैल्यू, ज्यादा इंपॉर्टेंस दूसरे किसी चीज को देनी है, तो उसके लिए भी बिफोर का प्रयोग किया जा सकता है. बिफोर जब भी आएगा तो किसी के पहले ये चीज है, इसलिए हम वहां पे बिफोर यूज कर रहे हैं ना, इज राइट. तो लॉन्ग लॉन्ग एगो में कोई घटना घटी थी, तो घटना तो घटने दो, है ना, किसी चीज के पहले थोड़ी ना घटी थी ये घटना जो भी है. लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग, तो वो किंग था, वो किसी घटना से पहले किंग था, ये नहीं कहना है उनको. लॉन्ग लॉन्ग एगो ये घटना घटी थी, किसी और घटना के पहले नहीं घटी थी, यही घटना घटी थी, हमने उसी के बारे में कहना है खाली. देयरफॉर वी डोंट यूज लॉन्ग लॉन्ग बिफोर. तो जब भी कोई घटना अकेली घटेगी तो लॉन्ग लॉन्ग एगो, अगर कोई घटना किसी बाकी घटना के पहले घटेगी तो बिफोर दैट इंसिडेंट. समझ रहे हो दोस्तों? मुझे लगता है कि आपको डिफरेंस ठीक से समझ में आया होगा. हमारे बाकी जितने भी ऑफिशियल इंक्वायरीज हैं क्लासेस के बारे में, जो अगर आप जानने के लिए थोड़ा क्यूरियस हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, बाकी बहुत सारे लिंक्स भी है, तो आप जरूर वहाँ पे कनेक्ट हो जाइएगा ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे. और हाँ, हमारा चैनल के लिए सब्सक्रिप्शन तो बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना. मिलेंगे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.